मुसीबतें और दुख कहीं भाग कर चले जाने से खत्म नहीं होते, वो तो इंसान को घेरे ही रहते हैं, चाहे वो कहीं चला जाए। मेरी मोटर सड़क पर तेजी से भागती चली जा रही थी, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता था कि ये मुझे उस तबाही से नहीं बचा सकती जिसमें मैंने अपने आप को जानबूझकर डाल दिया था। हद है, कमाल है भाई, इस बात का जवाब नहीं है मोती। अरे भाई, आज रात तुम्हारी शादी और तुम अभी तक यही जूतियां चटखार रहे। मैं चलता हूं। जा तो रहे हो, जाते जाते शादी की मुबारकबाद तो लेते जाओ। डॉक्टर मोतीलाल, ये हम सब की तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। ईश्वर से हम सब की यही प्रार्थना है कि आप दोनों का जीवन इन्हीं फूलों की तरह हमेशा रंगीन रहे। मुझे आप लोगों को ये तोहफा नहीं चाहिए। मेरी शादी है तो इससे आप लोगों को क्या है? रोज शहर में शादी होती है, कोई नई बात नहीं है। चाहिए, आप लोग अपना काम कीजिए। क्या हुआ है इन्हें? आज तो शादी है उनकी। इस शादी में गड़बड़ है भैया। चलो अपना काम करें। अरे मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, इन फूलों का शुक्रिया। डॉक्टर, मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था। मेरा मरीज मेरे सामने बेहोश पड़ा था, उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में थी। लेकिन एक खुद ही डूबता हुआ इंसान दूसरे को क्यों कर सहारा दे सकता है? मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। आज रात को मेरा ब्याह हो जाएगा एक ऐसी लड़की से जिससे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता, नहीं आगे चलकर उसे कोई सुख पहुंचा सकता। इस वक्त मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ होगा। मेरे पिता खुश होंगे कि उनके कंधों का बोझ आज हल्का हो जाएगा, लेकिन तराना की रूह मुस्कुरा रही होगी। वो ये जानती है कि मैं कोशिश करने पर भी उसे भुला नहीं सकता। वो जानती है कि मैं जीते जी सिवाय उसके किसी और का नहीं हो सकता। मैं बहुत थक गया, मैं कुछ सोच नहीं सकता और न ही मुझमें इतनी ताकत बाकी है कि इन सब लोगों से दूर कहीं भाग कर चला जाऊं। वो भी कितनी पागल लड़की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं विलायत से डॉक्टरी का इम्तिहान पास करके वापस आ रहा था। आज कई वर्षों के बाद मैंने अपने मुल्क की जमीन देखी, वो फैले हुए जंगल और उनमें छुपे हुए वो छोटे छोटे से गांव देखकर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। मुझे क्या मालूम था कि यही जंगल मुझे कैद कर लेंगे और यही गांव मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे।
सैया सैया, अब मैं बहुत थक गई और न सता आप हवाई जहाज अरे हवाई जहाज चक्कर क्यों काट रहा है लालू चौधरी से कहो कि हवाई जहाज गिर गया चलो चल के देखे चलो चलो देखे तोते तराना कहाँ है तोते क्यों क्या बात है घर बुलाया है उसे खैरियत तो है ना तेरी खैरियत नहीं दिखती मेरी खैरियत नहीं दिखती क्यों क्यों बड़ा खूबसूरत जवान है परदेसी बड़ा खूबसूरत जवान परदेसी ये परदेसी कौन हवाई जहाज खराब हुआ था परदेसी उतर पड़ा तराना का मेहमान बनने के लिए हवाई जहाज खराब हो गया परदेसी उतर पड़ा तराना का मेहमान बनने के लिए ये छलावा तो नहीं आया परदेसी का रूप धारण करके अच्छा तुम लोग जाओ अपना काम करो मैं उसे खबर देता हूँ क्यों माए पज्जी क्या कहता है तुम्हारा रमल मुझे भी तो बता क्या लिखा है मेरे नसीब में इसके जो जी में आता है कह देता है मेरी मानो तो बच के रहो आ गया मोटू जरा बच के रहना बच गई क्या है मुझसे नहीं परदेसी से बच के रहना कैसा परदेसी उसकी उसकी बातों में ना आना तराना उसकी आंखों में आंखें डाल के ना देखना मैं अरे तुम खाक झूल कैसे एक बात भी समझ में नहीं आई उससे ज्यादा बातें ना करना ये लोग होते ही ऐसे हैं सुख की नगरी में दुख के कांटे भूख कर चले जाते हैं कैसी नगरी कैसे कांटे क्या बच्चा है इसका दिमाग फिर गया है मेरा दिमाग तो नहीं फिरा तुम्हारा दिल फिर गया तराना अपने दिल के तराजू में एक तरफ परदेसी का रंग रूप रखना दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत बापू ने तुम्हें बुलाया है एक हवाई जहाज खराब हो गया है परदेसी मेहमान बनकर आया तुम्हारे घर में हमारे घर में मेहमान आया है मोटू मोटू अरे 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 जल्दी जाने वाले जल्दी क्यों पड़ते हैं रास्ते चल बापू बापू हमारे यहाँ मेहमान आए हैं हम बड़े भाग्यवान हैं बेटा वाह बापू वो भी तो बड़े भाग्यवान हैं अच्छी तरह रहेंगे अच्छा खाने को मिलेगा आलू मटर चावल दाल हलवा पूरी याद करेंगे बापू याद मैं लड़की इतना चिल्लाती क्यों तुम चुप रहो कौन है तुम मुझे चुप करने वाले कौन है बाबू ये ना बेटा ये हमारे मेहमान हैं बड़ा सड़ियल मेहमान है बाबू चुप रहो बेटा क्या कहती है माफ करना बाबू ये मेरी लड़की है आप लोगों की सेवा के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ध्यान है बहुत करती है बच्चा है हाथ दिखाओ जी अपने हाथ दिखाओ क्या हुआ है हाथों को मेरे धोकर आने का काम है अंदर तुमने क्या समझ रखा है मुझे मैं कोई नौकर नहीं हूँ इस घर की बेटी हूँ बेटी समझे समझा समझा बड़ा है हाथ धो क्या बुरा किया बेटा जाओ माफी मांग लो वाह बापू चढ़िया से मैं माफी मांग लू हाँ घर में आए हुए मेहमानों से मीठी बातें करते हैं और फिर उनके साथ एक बीमार औरत भी है प्यार और श्रद्धा से उनकी सेवा करो अच्छा तुम कहते हो तो चली जाती हूँ शाबाश बाबा ने कहा माफी मांग लो अच्छा बाबा माफ कर दो नहीं मैं माफी मांग लू जाओ माफ किया देखो मैंने हाथ धो लिए बहुत अच्छा किया
क्या सेवा करूँ तुम्हारी? बेर खाओगे बेर? पानी लाओ। बड़े मीठे। पानी लाओ जी तुम। ए, पानी। हाँ? पानी। अरे नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी मांगा था। मुंह संभाल के बात करो, पागल हो गए तुम? हाय राम, फिर भूल गई, माफ करो। मेरे बापू ने कहा है मेहमानों से मीठा बोलो, और बापू ने ये भी कहा देखो, है। ज्यादा बातें सुनने से ना मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ता है। गुस्से से मेरे दांत ऐसे बाहर निकल आते हैं, मैं लोगों की गर्दनें दबोच दबोच के उनको मार डालता हूँ, समझी? नहीं समझी? हाँ, समझी, समझी। तो फिर चुपके चुपके अपना काम करो। चुपके चुपके क्या काम करूं? ये थर्मामीटर मुंह में रख दो। अपने मुंह में नहीं, इनके मुंह में थर्मामीटर रखने के लिए कहा था। इनका मुंह बंद है तो मैं क्या करूं? अभी तक होश नहीं आया, इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन क्यों कर? सुई लगाऊंगा, सुई। सुई? हाँ सुई लगाऊंगा। गिर जाएगा, गिर जाएगा, जहाज गिर जाएगा। बेटा बचा ले मुझे, बड़ा बचा ले मुझे। ये तुम्हारी माँ है? माँ तो नहीं, विलायत से सफर में साथ आई है। हवाई जहाज में मुलाकात हो गई थी इनसे। सेवा तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी माँ है। सेवा करना मेरा फर्ज है ना, मैं डॉक्टर जो। डॉक्टर मोतीलाल, एमएस, एमडी, डीओ, एफआरसीएस। आज पूरे 7 बरस के बाद मेरा बेटा घर आ रहा है। बद्धू, ए बद्धू। जी सरकार। क्यों भाई, छोटे सरकार के स्वागत की क्या तैयारी की है तूने? ढोल धमाके, बैंड बाजे, पटाखे, फुलझड़ियां। अफसोस, आज उसकी मां ना हुई। सरकार, मैंने मां बनकर छोटे सरकार को पाला है, और आज मां बनकर ही उसका स्वागत करूंगा। वो कैसे? हजार हजार बलाएं लूंगा और सीने से लुटा लूंगा। बुद्धू, बुद्धू के बच्चे, ये मोती का बाप है, और हम अपने होने वाले दामाद के गले में हाथ डालकर मुंह चूम लूंगी उनका। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। शीला बेटा, देखा तुमने, तुम्हारे पिता आज खुशी से पागल हो रहे हैं। और क्यों ना हो, आज 20 बरस के बाद अफ्रीका से आए हैं सिर्फ अपने होने वाले दामाद का स्वागत करने के लिए। और शीला भी तो मोती को आज पहली बार देख रही है। अच्छा बेटा चलो, तुम ही बताओ हमें मोती का स्वागत कैसे करना चाहिए। ये बंबई है, अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज जो हवाई जहाज लंदन से यहाँ पहुँचने वाला था वो लापता है। ख्याल है कि कोई हादसा पेश आया है, खोज बराबर की जा रही है। ओ भगवान। नहीं नहीं, अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मेरी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। वो सो गई, अब छुट्टी? हाँ? क्या कहा फिर से को? माँ जी सो गई, अब मैं जाऊं? ये हाथ हटा लो यहां से। हाथ ही तो रखा था, कौन सी गोली मार दी थी जो भिना रहे होते तो? हाँ? बापू ने कहा है ना मेहमानों से मीठा बोलना। मैं जाती। कहाँ जा रही है? अपने सैया के पास। सैया के पास जा रही है अपने? हाँ जी, सैया के पास जा रही हूँ। 6 घंटे से तो यहाँ बंद हूँ।
बेचारा मेरी जान को कोस रहा हो। तो मिलना था जो से, तुमने तो देखा ही नहीं मेरे संयोग। मैंने नहीं देखा। बड़ा नटखट और प्यारा प्यारा है। अगर मैं उससे किसी दिन ना खेलूं या दो चार बार उसे गले से न लगा लूं तो भूख हड़ताल कर देता है, कुछ खाते ही नहीं। तुम कैसी लड़की हो जी, सब खुल्लम खुल्ला बातें करती जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई करने वाली बात है? इसमें शर्म की कौन सी बात है जी, मुझे अच्छा लगता है। चलो तुम्हें भी अपने सैया से मिला देते। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों नहीं मिलते उसे? मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते तुम? अरे वो मुझे तुम्हारे साथ देख के बुरा नहीं मानेगा वो? जान से मार दूंगी उसे। आओ। बड़ा रोब गांठ रखा उसमें मालूम होता है। हाँ, मैंने पहले कह दिया था। क्या कह दिया था? मैंने कह दिया था कि देखो सैया, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, खेलूंगी भी तुम्हें से, मगर रोब मेरा रहेगा। मांगे हो? और करता भी क्या, उल्लू कहीं का। देखो जी, तुम मेरे सैया को गाली मत दो। सारा अगर सामने आता ना तो एक चांटा भी मार दो। मेरा सैया बड़ा शर्मिला है, बेगानों से घबराता है। सुनो, ये चोरी चोरी मुलाकातें होती हैं क्या? तुमसे क्या चोरी, इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो सैया। ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? कितनी मत भरी आवाज है मेरे सैया की, वो आ गया। सैया, ये है मोती बाबू। मोती बाबू, ये है मेरा सैया। आदाब से, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं इनके साथ ऐसे ही चलाया था, आपने बुरा तो नहीं माना? सुनता कम है क्या? बोलता कम है। अच्छा। महीपत, महीपत जी महाराज, क्या भंग खा के सोया है? अरे दरवाजा खोलो महीपत। गुरुदेव, सुना आपने? कोई पुकार रहा है, फरियाद लेके आया है तुम्हारे द्वारे, पट खोल दो भंडार के। आओ तो देखो। नमस्ते महाराज, जरा रमन निकालो मेरी, देखो क्या लिखा है तफसीर में। आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे बैठो? ये तोते राम गुरुदेव, तंबाकू का व्यापारी, तंबाकू का व्यापारी, गांव का बोला, अंदर बाहर दोनों एक है इसके। इसे जरूर बताइए महाराज, क्या समय बीत रहा है इसके? बहुत बुरा समय बीत रहा है महाराज। तो राम, गुरुदेव के चरण में सर नवाओ और इन गोटियों को अपने हाथ से फेंको। बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। देखो क्या लिखा है। देखा गुरुदेव, इस भोले के सुखदाम में छलावा कांटे बिखेर रहा है। सुना तोते? मुझे बचा लो महाराज, परमात्मा के लिए इस छलावे को यहाँ से निकाल दो। बड़ी मनमोहनी सूरत है छलावे की। तोते राम, तुम्हारा तेज उसके सामने नहीं टिक सकता। महाराज टिका दो, टिका दो महाराज। आज की रात बहुत भारी है तुम्हारे लिए। ये मैं जानता हूँ। दोनों तरफ से प्रेम के बाण चल रहे हैं। तो कोई उपाय बताओ महाराज, के बाण रुक जाए। उपाय? गुरुदेव, आपका भगत तोते राम आपके खजाने में 15 रुपया भेंट करता है। बहुत अच्छा महाराज, ये लो 15 रुपए महाराज। गुरु दक्षिणा गुरु के खजाने में डालो। डाल दिया महाराज, डाल दिया। और मेरी दक्षिणा मेरे हाथ में रखो, 21 रुपए। अब तो उपाय बताओ महाराज। जाओ, गुरु भला करेगा। गुरु भला करेगा? आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, फिर भला कैसे? गुरुदेव जानी जान है, जानी जान है। छलावे के रूप में परदेसी मेहमान बन के आया है। हाँ, और तुम्हारी प्रियतमा पे प्रेम के डोरे डाल रहा। जय हो महाराज, आप सच में जानी जान हैं। मैं नहीं गुरुदेव। एक ही बात है महाराज, गुरुदेव से कहिए कि परदेसी का सत्यानाश हो जाए या इस गांव का पानी उसे मुआफिक ना आए, किसी तरह भी महाराज वो यहाँ से गोल हो जाए, वरना अपनी दाल कच्ची रह जाएगी महाराज। गुरु की कृपा चाहिए, दाना दाना गल जाएगा दाल का। दाना दाना गल जाएगा। जय हो महाराज। कल्याण।
नहीं, 100, 120, 220, 320, 420. 420? वो माँ जी कहती है तुम इसमें दूध नहीं पियोगे, क्या वो ठीक कहती है? ठीक कहती है माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुमने इस दूध में जहर घोल रखा है। तुम समझे नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आके से पी लूंगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। डर गए। ये कौन कहता है? जहर भी पियो अपने यहां से, तुम पिलाओ तो बात है। अच्छा, मरने से पहले कुछ कहना है? सब तुम पे छोड़ो। घबराती क्यों हो गुइया? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। चलोगी नहीं पनघट पर? अरे तू क्यों रंग में भंग डालती है? चल हम ही चले। चलो चलो, चलो, चलो। ए गांव की गोरियों, तुम्हारी रानी, मेरा मतलब है मेरे सपनों की रानी तराना, नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तो प्रेम के दौर में बंद गई है। क्या कहा, मेरे प्रेम के दौर में? वाह गुरुदेव। अरे मूर्ख महाराज, तेरे प्रेम का धागा तो कच्चा निकला, उसे तो परदेसी ने अपने प्रेम के पिंजरे में बंद कर लिया है। तो क्या मेरे प्रेम का पिंजरा लटकता ही रहेगा? अरे पागल प्रेमी, तेरी तराना तो परदेसी को दूध पिला रही थी। दूध पिला रही है परदेसी को? क्या परदेसी दूध पीता बच्चा है जिसे तराना दूध पिला रही थी? ये तो अपनी तराना से जाके पूछो। तराना से क्या, तराना के बाप से पूछूंगा? परदेसी को दूध पिला रही है? तुमने कुछ सुना सूरदास, तराना परदेसी को दूध पिला रही थी? तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे जरा सोचो तो सही, अब तो सोच लिया ना, कुछ हुआ कि नहीं? मंगेतर मेरी और दूध पिलाए परदेसी को। अरे वाह, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं तोते। अच्छा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? तुम बाप हो ना, ऐसा ही सोचोगे। बापू, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अब तराना से कह दो कि काले कुत्ते को दूध पिलाए लेकिन परदेसी को नहीं। बड़ा सुहारा देश है तुम्हारा। कैसे? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा खूबसूरत गांव, और छोटे से खूबसूरत गांव में एक छोटा सा खूबसूरत घर, और छोटे से खूबसूरत घर में छोटी सी खूबसूरत एक जंगली पहाड़न लड़की है। और बिल्लौर की धुबनी में छोटी छोटी सी खूबसूरत कोठरियां जिनमें वो जंगली पहाड़न लड़की परदेशियों को कैद कर देती। कौन सी दो कोठरियां? ये दो बावरिन ने। देखते ही देखते मैं खो गई,
जागना ना चाहूँ रे, थक थक मैं जागना ना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। चलते चलते पाँव मेरे थम्बे, चलते चलते पाँव मेरे थम्बे, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। साजन तेरे बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। अब रुके ना प्रीत की ये नाव रे, अब रुके ना प्रीत की ये नाव रे, नैन हुए बावरे। नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोहित जल सावरे, नैन हुए बावरे। परदेसी को दूध भी पिलाना शुरू कर दिया है तराना ने, अब मेरा क्या होगा? मोहब्बत की दौर में मैं बहुत पीछे रह गया हूँ और वो बहुत आगे चला गया है। आगे जाने वाले जल्दी थक जाएंगे। नहीं महाराज, परदेसी थकने वाला नहीं, वो अखरे बदन का आदमी है, चर्बी का नामो निशान नहीं। तोते राम बेचारा उसके साथ क्या दौर लगाएगा? तोते राम पर गुरु की दया दृष्टि होगी। दया करो गुरु, भगत आपके खजाने में 15 रुपया भेंट करता है। महाराज ये लो 15 रुपए गुरुदेव के, और ये लो 6.25 रुपए तुम्हारे। शीला बेटा, शीला अभी अभी रेडियो से खबर आई है कि हवाई जहाज ठीक हो गया है। सच्चा जी? हाँ बेटा, ये तुम्हारी तपस्या का फल है। बस मोती अब घर आता होगा, तुम फौरन उसके स्वागत की तैयारी करो। हाँ जाओ। अच्छा। अरे हे, कहाँ जा रहे हो, कुछ पता भी है तुम्हें? डॉक्टर मोतीलाल यही ठहरे हैं ना? यही ठहरे हैं। क्या काम है? जहाज ठीक हो गया, उन्हें लेने आया हूँ। कहाँ है वो? अजीब गांव है। डॉक्टर मोतीलाल, डॉक्टर मोतीलाल। बापू, बापू, बापू। मेहमान लोग जा रहे हैं बापू। अच्छा? हाँ, वो चले जाएंगे बापू। अच्छा तो मैं उनसे मिले आता हूँ। बहुत दूर है। बहुत दूर है? क्यों? तुम लोग कब जा रहे हो बाबू? लोग नहीं, बस मैं ही जा रहा हूँ।
तुम मोती बाबू नहीं जा रहे? खुद नहीं जा रहे, चिट्ठी भेज रहे हैं अपने पिता के नाम। मोती बाबू नहीं जा रहे। अजीब गांव है। क्या हो गया? मरते मरते बड़ी ठगली। नमस्ते। आप? मैं हवाई जहाज का। जी मैं जानती, बड़ी तपस्या कराई है आपने। देवी जी मैं तो हवाई दासी कही। दासी? और दासी कहकर जीवन सफल बना दीजिए। आप गलत समझ रही हैं। मुझे दीवान साहब ने सब कुछ बता दिया है। बड़े नटखट हैं आप, दूसरों को खूब बनाते हैं। पर मैं तो हवाई जहाज का पायलट हूँ। अब आप मेरे दिल के पायलट हैं। ओह मैं तो भूल ही गई।
दासी, दिल के पायलट, अजीब लड़की है। ये क्या कर रही हो जी? पति पूजा। पति पूजा। ओ, मैं कहता हूँ मुझे दीवान साहब से मिलना है। उनसे तो मिल ही लोगे मेरे देवता। आहो भागे मेरे, कि सबसे पहले दर्शन मुझे ही दिया आपने। हाँ, आ गया मेरा नाज। अरे इतना सा था जब हम अफ्रीका गए। मैं कहता हूँ मुझे दीवान साहब से मिला दीजिए। हाँ हाँ, दीवान साहब से भी मिला देंगे। देखो बेटा, अब तुम्हारे दो बाप है। दो बाप? एक मैं और एक वो। दीवान साहब मुबारक हो, डॉक्टर बेटा आ गया। हाँ माय सन, डॉक्टर मोतीलाल, एमएस, एमडी, डीयू, एफआरसीएस। क्यों बेटा? कौन हो जी आप? पायलट। पायलट? बड़े बदतमीज हो जी। पहले दर्जे के अहमक हो। हाँ हाँ, सुनिए तो सही, आखिर पायलट होना कोई अहमकपन या बदतमीजी तो है नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों से क्या कहूँ मैं। ये लीजिए अपने बेटे की चिट्ठी और मेरी नमस्ते। वाकई किसी हद तक बदतमीज तो है, जरूर है। मोती की चिट्ठी। ठाकुर साहब जरा पढ़िए तो सही क्या लिखा है जी। साहबजादे फरमाते हैं, पूज्य पिताजी नमस्ते। जियो बेटा जियो। मैं कुछ दिनों के लिए रुक गया हूँ क्योंकि माँ जी की तबीयत खराब है। हैं? ये माँ जी कौन आंट आपकी? जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। ठाकुर साहब मुझे बेवकूफ ना बनाइए, मोती की माँ तो बेचारी कब की चल पाई। लो बेटा जरा तुम ही पढ़ो। लो माँ जी बीमार है। हाँ हाँ, फिर वही माँ जी। जब माँ जी यहाँ मौजूद है तो हम उन्हें उठाकर कहाँ फेंक दे? दीवान साहब, मुमकिन है किसी को माँ बना लिया हो। ठाकुर साहब, अब मुझे इस उम्र में गृहस्थी के जंजाल में मत फंसाइए। किसी को माँ बना लिया हो, नालायक बेवकूफ गधा। ए, बैगन खाएगा? नहीं, अच्छा गाजर खा ले। खाले खाले खाओ। तराना, ओ तराना, क्या कर रही है बेटी? लाओ मैं तुम्हारा हाथ। बाजी बाजी, नहीं नहीं नहीं। गुड़िया कितनी सुंदर लगती है तू, ये शर्मीली आंखें, ये प्यारी ना, काश भगवान मुझे ऐसी बेटी दे देता। समझ लीजिए मैं ही बेटी हूँ आपकी। सच, मुझ बुढ़िया को और क्या चाहिए? मोती को तो बेटा बना ही लिया है, अब चांद जैसी बेटी भी मिल गई। माँ जी। जी बेटा। वो मेरे कोट की जेब से मेरी तस्वीर आपने निकाली थी? नहीं तो। अरे कहाँ गई, वो तो है ही नहीं। अभी देख लेती हूँ। चुप जा छोकरी, नहीं तो पकड़ी जाएगी। आप लोगों ने हमारी बड़ी ही सेवा की है बाबू। चंद दिन जो यहाँ बिताए हैं मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाने वाले चले जाते लेकिन अपनी याद दिलों में छोड़ जाते। अगर मौका मिला तो फिर कभी दर्शन को आऊंगा बापू। हाँ, तुम आए और हम न हुए। पुराने पिंजरे में सांस का पंछी कब तक रहता कौन जाने। लेकिन बेटा तुम वो देवता हो जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए अर्पण कर रखा। लेकिन मेरी एक तमन्ना थी कि अपने देवता को इन आंखों से देखता। अगर आप जन्म के अंधे ना होते तो आपकी आंखें भी ठीक हो सकती थी। नहीं बेटा, मैं जन्म का अंधा नहीं। ये तो 7 बरस हुए कि मेरी आंखों की जोत छिन गई। आप जन्म के अंधे नहीं है बाबू। नहीं, देखो तो
बाबू मैं आपको यकीन तो नहीं दिला सकता मगर मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ बाबू मुझे उम्मीद है इस बात की। मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। तराना 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 आई बापू आके तराना परदेसी बाबू कहता था कि मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। क्या कह रही हो बापू? हाँ बेटी उसने मुझसे वायदा किया है कि वो मेरी आंखें बना देगा फिर से मैं दुनिया की हरियाली देख सकूंगा अपनी बच्ची को देख सकूंगा। सच बापू? हाँ उसने मुझसे यही कहा है। वो झूठ थोड़ी बोलेगा तो खुद जाके उससे पूछ ले। मोती। हाँ मोती। मोती। अरे क्या है मोती मोती करती रहोगी या कुछ कहोगी भी? मोती बापू देख सकेंगे? हाँ शायद देख सकेंगे। सचमुच तुम बापू की आंखें बना दोगे? कोशिश करूंगा आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। कहीं तुम बापू का दिल रखने के लिए तो नहीं गए? अरे नहीं पगली। तो कब बनाओगे बापू की आंखें? बोलो ना कब बनाओगे? वापिस आके बनाऊंगा। तो जा कहाँ रहे? शहर जा रहा हूँ तराना। कब? आज ही जा रहा हूँ। आज? तो ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपा रखी थी तुमने? बोलते क्यों नहीं? बात मुझसे क्यों छुपा रखी थी तुमने? मैं जानता था कि जब तू सुनेगी तो चिल्लाएगी और मुंह फुला देगी। तेरी आंखें अभी से क्यों लाल लाल हो रही? चोर चोर कहीं का। राना महीने दो महीने में वापस आ जाऊंगा पगली तो समझती क्यों नहीं? देख आखिर मेरा भी एक घर है उसमें मेरे पिता रहते हैं। मैं 7 साल मुझे तुम्हारी एक बात पे यकीन नहीं। सब झूठ बक रहे हो। मैं झूठ बक रहा हूँ? हाँ तुम सब झूठ बक रहे हो। वो तो बातों बातों में मुझे पता चल गया। तुमने तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी। इतने दिन से फरेब कर रहे थे मुझसे। चोर जाके कहेंगे तो बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आई। हाँ उतर आई। क्या कर लोगे? एक चांटा मार दूंगा। मार के देखो। छोड़ के भी जा रहे हो और फिर मारते भी ऊपर से। एक चांटा ही तुम्हारा है। 10 और मार लो और यही रह जाओ। ऐसे क्या हो जाएगा तुझे मेरे चढ़ जाने से? तुम चाहते हो मैं बेशरम होकर सब कुछ कह दूं? हाँ। नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मुझे ये तुमने क्या कर दिया है? जादू कर दिया है। बड़े खुश होते हो ना अपनी बढ़ाई? हाँ। होती तुम वहां जाके मुझे भूल जाओगी? मोती। हाँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हो सकता है। तूने कभी शहर तो नहीं देखा ना? वहां दिन रात के हंगामे में भला मुझे क्या याद रहेगा कि कहां गया था और कौन मिला था?
मुझे शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। देख तेरे अगर किसी दिन तू मेरे सामने आ जाए ना और मैं बगैर पहचाने तुझे आगे बढ़ जाऊं तो इस बात का बुरा मत मानना। तुम ऐसा कभी ना करना मोती, तुम ऐसा कभी मत करना। जिस दिन तुम्हारा जी मुझसे उग जाए मुझे जहर दे देना, लेकिन ऐसा ना करना मोती, ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। तू समझती है मैं तुझे भूल जाऊंगा? इधर देख, जानती है राजनाटे में जब सारा शहर सोया करेगा ना उस वक्त तू मुझे याद आया करेगी। मैं तुझसे कहूंगा कि जा चली जा मुझे सोने दे, और तू ठीठ बनी रहेगी और जाएगी नहीं। मोती एक दिन और रुक जाओ। मोती एक दिन और रुकने से क्या हो जाएगा, कल फिर जाना पड़ेगा। तराना तू मुझे छोड़ने कश्ती तक आएगी ना? नहीं मैं छोड़ने नहीं जाऊंगी, मैं लेने आऊंगी तुम्हें। मोती मोती लगी जुर्मी नजरिया।
तुम वापस कैसे आ गए? शायद इसलिए कि जा नहीं सका। तुम्हें किसी ने रोका भी तो नहीं था? हाँ, ठीक तो है, मुझे किसी ने नहीं रोका था, लेकिन इतना मुझे भी याद है कि जाते वक्त दूर टीले पर खड़े खड़े किसी की आंखों में आंसू जरूर आ गए थे। एक कांपता हुआ हाथ मेरी तरफ उठा था और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अपनी बार कैसी बातें बना लेते हो, उस वक्त तुम इतनी शान दिखा रहे थे, जब मैंने कहा तो रुक जाओ जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। चला जाओ। हाँ चले जाओ। तो मेरी चीज मुझे वापस दे दो। ऐसा दिया ही क्या था जो वापस मांगने लगी हो? अपना दिल दिया था तुझको, वापस दे दे। दिल? हाँ, वापस दे दे मेरा दिल। तुझे को दिया था मैंने, तुझे को दिया था मैंने। खुद अपनी चीजें इधर उधर फेंकते फिरते हो और फिर मेरे नाम पे पट्टा लगाते हो। मोती? हाँ तरह। तुम्हारे पिताजी तुम पर और ज्यादा नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, मां जी गई है ना, उन्हें सब समझा देंगे। चालाक गई। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मोती के पिता। आज यहाँ मैं हूँ, आपके बेटे की चिट्ठी लाई हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए, बैठिए। ठाकुर साहब जरा पढ़िए तो सही क्या लिखा है। पूज्य पिताजी, माँ जी से मिले। ओह माय गॉड, मोती ने इस मुसीबत को यहाँ क्यों भेज दिया? लिखा है बापू का ऑपरेशन होने वाला है। बापू? लीजिए, माँ जी से छुट्टी मिली नहीं, अब ये बापू बीच में कौन आन टपका? लिखा है कि दवाइयाँ और औजारों की लिस्ट भेज रहा हूँ, ये लीजिए, फौरन खरीद कर रवाना कर दे। बस बस ठाकुर साहब रहने दीजिए, ना तो मुझे चिट्ठी सुननी है और ना मुझे इनसे मिलना, इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए। हे, तो लिख दो, तुम नहीं भेजोगे? हे, तो लिख दो, नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। हे, तो इतना चिल्लाते क्यों हो? तुम नहीं भेजोगे तो मैं भेज देती हूँ, लाओ लिस्ट मुझे दे दो। कितनी चीजें भेजी है माँ जी ने, चिट्ठी में क्या लिखा मोती? लिखा है मोती बेटे, ऑपरेशन के सामान के साथ साथ तराना के लिए कुछ कपड़े भेज रही हूँ, वो उसे दे देना। कैसी लगती है? बहुत ही बुरी लगती। और क्या लिखा है माँ जी? और लिखा है कि जिस तरह तुम मुझे छोड़कर वापस भाग आए, उससे अब मुझे ये शक होने लगा है कि शायद बापू की आंखें ठीक होने के बाद भी तुम वहीं रहने का कोई और बहाना निकाल लो। और यहाँ शहर में ऐसा रखा भी क्या है, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो यहाँ तराना जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी। उसके जैसी आंखें, वो खूबसूरत नाक, वैसे गुलाबी होंठ मैंने तो आज तक दुनिया में नहीं देखे। वो लड़की नहीं मोती, आसमान से चांद का एक टुकड़ा जमीन पर आ गया है, उसे मेरा बहुत बहुत प्यार देना। बहुत बहुत प्यार दिया है मां जी ने। अपनी तरफ से लगा के कह रहे हो? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट रखा जो इतनी तुम्हारी तारीफ करो? तुम्हें जरूर किसी पागल कुत्ते ने बापू। क्या हुआ बेटा? बापू, मां जी ने तुम्हारी आंखें बनाने का सामान भेज दिया बापू। आंखें? हाँ बापू, आंखें बनाने के सामान। हाँ बापू।
मोती बाबू जी, क्या मैं फिर से देख सकूंगा? बोलो न मोती बाबू। बोलो। मेहनत करना हमारा फर्ज है, कामयाबी ईश्वर की है। ईश्वर, ईश्वर के हाथ में तो सब कुछ है। पर आया है परमात्मा का भक्त, अंधे को आंखें देने वाला। हम कैसे माने महाराज, जो आदमी आंखें बना सकता है वो जान भी डाल सकता है मुर्दे में। जिसने मुर्दे में जान डाल दी वो तो परमात्मा हो गया। क्यों भाई? बराबर बराबर, यही तो मैं भी कह रहा हूँ तोते, ये अनहोनी बात है जी। हाँ। भाई आदमी तो कारीगर मालूम होता है, हाथों में दस होना ही चाहिए। अबे परमात्मा की बातों में कौन दखल दे सकता है? ये तो नहीं जानता, पर उसकी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। अगर न ठीक हुई तो? और अगर ठीक हो गई तो ये बरसों की पाली हुई मूछें मुटवा दूंगा। तो दे हाथ, जो हार जाए उसकी मूछें मुटवा कर आधा मुंह काला करके गधे पर बैठा कर गली गली घुमाया जाए। मंजूर मंजूर। कैसी तबीयत आज आपकी? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की पट्टी खुलेगी, मैं तुमको देखूं, तराना को देखूंगा, तो खुशी के मारे दिल हाथों उछलने लगता। लेकिन फिर मैं अपने दिल से कहता हूँ कि पगले पहले ही से इतिहास में लगा ले। अगर पट्टी खुलने पर भी न देख सका तो क्या करेगा? कब खुलेगी पट्टी बाबू, तुम तो कुछ बताते ही नहीं। पट्टी आज ही खुलेगी बाबू। पट्टी आज ही खुलेगी? हाँ बाबू, आज ही खुलेगी। कब? इसी वक्त। इसी वक्त? इसी वक्त। तराना, अभी कुछ दिखाई देता है सुधार को? अभी तो पट्टी बंदी है, जब पट्टी खुल जाएगी तो मेरा बाबू भी देखने लगेगा। ये सब कहने की बातें हैं तराना, परदेसी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो पहले ही कहता था, ये लोग सुख की नगरी में दुख के कांटे बो के चले जाते हैं। भला ये भी कोई बात है? परमात्मा ज्योति ले ले और बंदा दे दे। मैं तो चुप रहूंगा, लेकिन तुम ही आंसू बहाओगी एक दिन। पट्टी के साथ साथ परदेसी की पोल भी खुल जाएगी तराना, याद रखना। तराना, तराना। बाप। तराना, मेरी तराना। पापू! तराना, मैं तुझे देख सकता हूँ। पापू! मुझे आंखें मिल गई, मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ। मैंने कहा मुबारक हो, मुबारक। ये मुसीबत फिर कहाँ से आ गई? जी नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ एक मुसीबत आ गई है। जी हाँ, मैं आपको फिर जरूर टेलीफोन करूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे बुद्धू, ए बुद्धू। ए बुद्धू, हो गए तुम? मैंने कहा मेरे बेटे ने बापू की आंखें ठीक कर दी हैं। मोती का खत आया है? खत आया है, वो नालायक खुद क्यों नहीं आता? एहे, जल्दी क्या है, वो तो साथ बहू लाएगा। बहू? बहू? मेरी तराना। तराना? सुरदास की लड़की है। सुरदास? ठाकुर साहब आइए आइए। ठाकुर साहब, आपने कुछ सुना? मेरे लड़के का रिश्ता लंगड़े लूले और अंधों के साथ हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं यार? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोती की माँ जी, मोती की माँ जी कह रही है। तो फिर हमारा क्या होगा? ठाकुर साहब, बिस्तरा गोल कीजिए और चलिए, चल के मोती को यहाँ ले आए। लेकिन सफर बहुत कठिन होगा, रेल की सवारी, मोटर की सवारी, फिर बैलगाड़ी की। ए, तो सर सलामत रहे बरखुरदार का, मैं तो कहता हूँ गधे की सवारी भी करना पड़ेगी। अपना काम शुरू कर दो। चलो भाइयों, अब गांव की सैर करवा दो। छोटा बेटा गद्दे पर अब घूमेगा गांव, न मूछी न दाढ़ी, राम राम तोते राम, राम 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 राम, राम राम तोते राम, राम 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 राम, राम राम।
राम 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 तराना, तराना, ए तराना, सुनती नहीं, इतना चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहा हूं तुझे। मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? पराया पूछने वाला तू रो क्यों रही है? खुद ही मेरा सर खा रही थी कि चलो सैर करने चले। सब कुछ ठीक कर लिया, ये दमामू से बैलगाड़ी भी मांग ली और तुमने अपना सड़ा हुआ मुंह बस टेढ़ा करके कह दिया कि जाओ आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। अच्छा कल जाने में बुराई भी क्या कल है? कल बापू जी लौट रहे हैं, देवी के दर्शन करके फिर क्या वक्त मिलता? तो तूने भी मुझसे पूछा कि मैं आज किस लिए नहीं जा सकता? मैं तुमसे कुछ पूछना उछना नहीं चाहती, अब तो मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगी। 24 घंटे अपना रोग मुझ पर जमाते रहती, तराना ये कर तराना वो कर, और मैं हूँ कि तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ, बगैर कहे सब काम कर देती हूँ। तुम्हारे जूते साफ किए, तुम्हारी मैली कमीज से धो धो कर तुम्हारे बक्स में रख दी, और कभी इस फूटे हुए मुझसे ये भी ना पूछो कि तराना अच्छा किया या बुरा। बस इतनी सी बात है क्या? बस इतनी सी बात है क्या? ये इतनी सी बात नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम एकदम बुरे हो। चल अच्छा अभी चलते, अभी चलते, अभी चलते। ये गोली क्यों खाई तुमने? भूख लग रही थी, गोली खा ली। क्या करें, जब से इस गांव में आए हैं लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं हमसे, कुछ खाने वाने को मिलता नहीं। भूख भूख लगती है तो यही गोलियां वोलियां खा लेते। ये गोलियां तो तुमने माजी को बुखार में दी थी। तुम्हें भी बुखार है, मुझे देखो तुम्हारा हाथ कितना गर्म हो रहा है। तूने छू लिया ना इसे, इसलिए गर्म हो गया। बुखार बुखार वैसे कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है, है, नहीं है, है मोती। मैं भी कितनी गंदी हूँ। हाँ, वो तो तू है। इतनी देर तुमसे झगड़ती रही, चलो चल के आराम करो, फिर कभी चलेंगे मोती। अब आराम आराम कुछ नहीं होगा, समझी ना? हम जाएंगे, आज जाएंगे और इसी वक्त जाएंगे। तुम्हारी तबीयत और खराब। कोई परवाह नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तो ये जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अच्छा अरे ये तो उठा चला, ये पर्दे से तेरी सत्यानाश हो। तराना, मेरी तराना, ओ तराना। अरे वाह रे परदेसी वाह, ये तेरी मजाल। कोई बात नहीं, इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा मैं। माहिपत, 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 रख लो मेरे दिल पे हाथ, देखो कैसे धड़क रहा है। मैं कहता हूं धक धक की बोली में वो तुम्हारी विद्या को गालियां दे रहा है।
गुरुदेव कहते हैं धीरज धरो। अरे धीरज कैसे धरूं? मैं हाथ में हाथ लेने को तरस रहा हूं और वो परदेसी तराना को गोद में लिए फिरता है। राम 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 राम। मैं गुरुदेव देर न करो, भगत को आशीर्वाद दो कि वो आपके खजाने में 15 रुपया भेंट करता है। फिर 15 रुपया जब आओ 15 रुपया देने पड़ते। लो माईपत ये 5, ये 10, ये 15 रुपये लो, मगर दिल से आशीर्वाद दो, कोई उपाय बताओ। गुरु की आज्ञा लो और जल्दी सूरदास को खबर दो जाके बाप देवी दर्शन को गया है और बेटी रास लीला रचा रही है छुप छुप के। उसमें आराम कर लो। सूरदास बाहर का उजाला देख रहा है, चिराग तले का अंधेरा उसे दिखाई नहीं देता। जवान लड़की को परदेशी के साथ अश्लीलता करने को छोड़ के
देवी दर्शन को चला गया है। कौन खून वाला है सारे गांव में जो ये बातें सहन कर सकता है, बोलो। खेती गांव का धन है, लड़कियां गांव की इज्जत, हम लोग परदेशी को गांव की इज्जत पर छापा नहीं मारने देंगे। मोती? हाँ? आज ये बादल इतने जोर से क्यों गरज रहे? गुस्से में है शायद। बादलों को भी गुस्सा आता है? हाँ, क्यों नहीं आता? क्यों? देखो, जब इस जमीन पर कोई इंसान पाप करता है ना, तो ईश्वर इन बादलों को भेज देता है, फिर ये आकर इस तरह गरजते हैं और बिजलियां चमकती हैं। अच्छा? हाँ, और लोगों के घरों पर गिर गिर कर उन्हें जला देती है। तो आज भी कहीं बिजली गिरेगी मोती? पता नहीं, शायद हम पर ही गिर पड़े। हमने तो कोई पाप नहीं किया, बिजली तो पाप करने वालों पर गिरती है ना मोती। मेरे अंदर भी बिजली चमक रही है सूरदास, ये कलूल तुम देख सकते हो, मगर गांव वाले ये सहन नहीं कर सकते। अगर इज्जत देके आंखें ली थी तो फोड़ दो ये आंखें। वो आंखें किस काम की जो दुनिया के सामने उठ न सके। जब तुम अंधे थे तो चुप चुप के मुलाकातें हुआ करती थी उनकी, और आज वो खुलम खुला उसे गोद में लिए फिरता है। तोते राम? तोते राम झूठ नहीं बोलता सूरदास, तोते राम देवी की कसम खा के कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा? अपनी आंखों से देखा? पर क्या किया तुमने? इस खबर सुनाने के बजाय अगर तुम सिर्फ इतना कहते कि उन दोनों की चिता तैयार है और तुम्हारा इंतजार है सूरदास, तो मैं तुमसे कहता कि जाओ और उन दोनों की चिता पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दो। ये एक दूसरे के करीब गुजारी हुई चमकड़िया हमारे बन जाएंगी तराना। काश ये गुजरता हुआ वक्त ठहर जाए, ये बादल यूं ही गरजते रहें, ये बिजलियां यूं ही चमकती रहें, और ये रात फैल कर हमारी सारी जिंदगी पर छा जाए। तब क्या होगा मोदी? तब मैं तुम्हारी इन पागल कर देने वाली आंखों में आंखें डालकर अपना सारा जीवन और जब मुझे मौत आएगी तो यहीं तुम्हारी गोद में सर रख कर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। नहीं, मुझे ईश्वर, मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि मोती के बाद मुझे जिंदा न रखना, मुझे मोती से पहले उठा लेना प्रभु। मोती अक्सर मुझे ऐसा मालूम होता है। क्या? जैसे तुम मुझसे बहुत छोटा, जैसे मैं ना हूं तो तू न जाने कहां गिर पड़े, न जाने कहां खो जाए। जब तू मेरी आंखों से उजल हो जाता है तो मेरा दिल बैठ जाता है, मैं डरने लगती हूं कि न जाने तुझे क्या हो गया। फिर मैं दिली दिल में तेरे लिए ईश्वर से दुआएं मांगती। तू कहे ना तो तू बिल्कुल पागल है। तुम भी तो पागल हो। अरे ये बारिश तो थम गई, अब न बादल गर देंगे और न बिजलियां चमकेंगी। मैंने रोक दिया,
मैंने कहा देखो अब तुम चुप हो जाओ, मेरे मोती की तबीयत ठीक नहीं है, वो अब थोड़ी देर सोएगा। ये सब चीजें भी तुम्हारे कब्जे में है क्या? आंखें बंद कर लो। बंद कर ली। अब सो जाओ। सो गया। बेईमान। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है।
हट यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना आज तक जो कुछ हम लोगों ने नहीं किया आज मेरे हाथ से होगा। हम लोग मेहमानों की हत्या नहीं करते, चले जाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इससे पहले कि गांव वालों का हाथ तुम पर उठते, तुम यहां से चले जाओ, जाओ। मेहमान है, बापू ने कहा मेहमान है, हट जा, जाइए सर। मेहमान सख्त मुसीबत का सामना है। ठाकुर साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने बेटे की हरकतों से कभी कभी सख्त परेशान हो जाता हूँ। दीवान साहब, सबर का फल मीठा होता है। डॉक्टर बेटे से मिलते ही आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। पिताजी, वो देखिए सामने खंडर नजर आ रहे हैं, चलिए चलकर वहाँ आराम कर ले। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ए, रोको गाड़ी, ए, जल्दी गाड़ी रोको। लाश, मोती मेरे बच्चे, आपके चरणों की धूल। कितने ही दिन और कितनी ही लंबी रातें मैंने सिर्फ इसी इंतजार में काटी कि कब आप अपनी आंखें खोलें और कब मेरे जीवन में उजाला हो। आज अभी चांद नहीं निकला, लेकिन इस वक्त आपने मेरी अमावस की रात को पूनों की रात बना दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ये रूखापन अपनी बातों से हटा लो मेरे प्रभु, मुझे और दुख ना दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओगी, ये सब क्या? मैं घर कैसे वापस आ गया? तराना कहाँ है? तराना कौन? तराना मेरी बहन, वो लोग से मुझसे छीनना चाहते थे, आज से लोग थे। बताओ उसे कहाँ ले गए? बताओ उसे कहाँ ले गए? मैं हूं तुम्हारी तराना, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम तराना? मैं तुम्हारी तराना हूं। नहीं, तुम तराना नहीं,
तुम झूठ बोल रही हो। तराना को तुम लोग ले गए। कहाँ ले गए वो? वो लोगों से कहाँ ले गए? बोलते क्या नहीं तुम कहाँ ले गए वो? बताओ मुझसे कहाँ ले गए? तो सुनो, तुम्हारी तराना तुम्हें छोड़कर चली गई। सुनते हो? तुम्हारी तराना तुम्हें छोड़कर चली गई। शायद उसका खेल पूरा हो चुका था, शायद वो तुमसे उठा चुकी थी। मैं तुम्हारी लाश को उठाकर लाई, मैंने तुम्हारे मुर्दा जिस्म में फिर से जान डाल दी। आज से तुम तराना का नाम नहीं लोगे, उसकी याद को अपने दिल से निकाल दोगे। अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हट जाओ। मैं उसके पास जा रहा हूं, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तराना, तराना तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तराना, मोती, 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 बापू, बापू मोती, नीच, कमीनी। तुम और कितना मारोगे मुझे? तुम्हारे हाथ नहीं थकते बापू। काश तू पैदा होते ही मर जाती तो मुझे ये दिन तो न देखना पड़ते। ये डर जाता हूँ दुनिया की उठती हुई निगाहें मुझ पर पड़ती हैं। और लोग कहते हैं वो जा रहा है बेगैरत बदनामी को जेब में डालकर, वो जा रहा है जलील ममता की ओट में बेटी के पाप छुपा के। पाप? मैंने क्या पाप किया है? बताओ ना बापू, मैंने क्या पाप किया है? सारे गांव ने उसे रात के तेरी गोद में सोते हुए देखा, और तू मुझसे पूछती क्या पाप किया है तूने? किसी को बुखार हो और वो तूफान में गिर पड़े, दो कदम चलने की भी जिसमें ताकत ना हो, ऐसे में किसी को सहारा दे देना अगर पाप है तो मैंने पाप किया है। चुप रहो, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना कर। आज रात को भी तू उठ उठकर उसी जलील का नाम ले रही थी। उसे जलील ना कहो बापू। बापू वो जलील नहीं था। तुमने तो कहा था बापू कि मोती देवता। तुमने ये सब कुछ क्यों कहा था बापू? तुमने जिसे देवता कहा मैंने उसे देवता माना, और जब तक मैं जिंदा हूं यही कहती रहूंगी, मोती देवता था। हाँ, मोती देवता था जो झूठी बदनामी अपनी झोली में डालकर यहां से चला गया, जिसके घाव जिंदगी भर रोते रहेंगे, जिसका दिल हमेशा सुलगता रहेगा। आंखों में उदास
बेटे तराना की चिट्ठी है, शहर से आई है। शहर से आई है तो मुझे दे दो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, दे दूंगा। बहुत मेहरबानी। ये लीजिए। शहर से आई है चिट्ठी, जरूर दाल में कुछ काला है। अभी जाके माहीपत से परवाता हूँ। परदेशी बीमार है, ठीक होने पर तराने को बिहाने आएगा। महाराज, तराना किसी और से ब्याही तो दुनिया मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। मैं तमाशा बन जाऊंगा, छोटे बड़े मेरी हंसी उड़ाएंगे, इधर इधर तराना का वियोग होगा। उनकी आज्ञा लो और जाओ सूरदास के पास, मिन्नत करो, गिड़गिड़ाओ, ये समय चूक गया तो तेरा राम तो हमें कुछ मत कहना। आशीर्वाद दो गुरुदेव, भगत आपके खजाने में 15 रुपया भेज सकता है। कई बार 15 रुपये भेज दे चुका हूँ महाराज, एक बार और भी अभी देता हूँ महाराज। हर बार 15 रुपये और कोई उपाय नहीं, तुम जा जाओ गुरु के आशीर्वाद से, गुरु तक जाओ, करो मत करो। तुमने गुरुदेव को भी लाठी बना दिया, नहीं तुम पाखंडी है। तेरी खबर मेरे पैसे, मेरे पैसे जा रहे हैं। ये हमारे पैसे हैं जो हम वापस ले रहे हैं। बापू तुम नहीं जानते बापू, जितने मुंह उतनी बातें, लोग मुझे ताने देते हैं। बापू अब मुझसे सबर नहीं होता, आज शादी का फैसला कर दो ना। शादी? तराना की शादी उस्ताद जैसे जलील से, जिसने झूठ बोलकर एक देवता का मुझसे अपमान कराया, जिसके बहकाने से मैंने अपनी निर्दोष बच्ची पर हाथ उठाया। चला जाए यहाँ से, वरना जलील करके निकाल दूंगा। बापू अपने मंदों का कहना है कि पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। समझ जलील कमीने कुत्ते, बुड्ढे तुमने मुझ पर नहीं अपनी किस्मत पर हाथ चलाया है। मैं देख लूंगा, तुम्हें जरूर देख लूंगा। गणेश जी सब समझ गई ना? दाई माँ होती है तो तेरा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे पगली, 200 रुपए दूंगा, 50 बच्चे जनाओगी तो भी इतनी रकम नहीं बनती। ये लो 10 रुपए, बाकी 190 रुपए बाद में दूंगा। देखो गांव के कोने कोने में ये बात फैल जानी चाहिए। हाँ, सारे गांव के मुंह पर कालिक लगा दी है उसने। किसने? तराना ने। क्या हुआ? हाय राम, उससे तो मर जाती तो अच्छा था। तुमने सुना कुछ तराना के बारे में? उसने तो गांव की नाक कटवा दी। मंजू वो आ रही है। कौन आ रही है? तराना। चलो 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 चलो। मंजू क्या बात है? मंजू आखिर तुम सब मुझसे क्यों कतराती हो? मुझे मत छू तराना, नहीं तो मुझे गागर फिर से माननी पड़ेगी। फिर से क्यों माननी पड़ेगी मंजू? बताओगी नहीं मंजू? तारा तू ही बता दे ना इसे, गिन्नी तू ही बता दे। बताओ ना गिन्नी क्या बात है, आखिर तुम सब मुझसे घिन क्यों करती हो? तराना माता जी ने कहा है तुम क्या कहा है माता जी ने? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम लोग कुछ नहीं बताती। अच्छा मैं जाकर खुद माची से पूछ लूं। नहीं नहीं तराना, माता जी के पास मत जाता,
गांव के सब दरवाजे तुम लोगों के लिए बंद हो चुके हैं। क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा। समसहेली मेरी परछाई से डरती है, मुझसे नफरत करती है। वो ऐसा क्यों करती है बाबू? बाबू बताओ ना, क्यों मुझे पनघट में जाने से रोकती है? बहता हुआ पानी क्या उनके बाबा की जागीर है? धरती उनकी है, हवा उनकी है। बोलते क्यों नहीं बाबू? मंजे हुए बर्तनों पर पल्लू ठाक लेती मुझे देखकर बाबू। यही हाल मेरा है बेटा, इसी नरकी आग में मैं भी जल रहा हूँ। पहले इस गांव से गुजरता था तो हतरत से राम राम पायलागी की आवाज आती थी। अब इस गांव से गुजरता हूँ तो ये मालूम होता है कि एक कुत्ता इधर से उधर चला गया है। सबब क्या है इस बात का? आखिर हमने क्या कसूर किया है बाबू? बोलते क्यों नहीं बाबू? हमारा यही कसूर है बेटा कि हमने इस गांव की मर्यादा तोड़ दी, कोई भी सगाई छोड़ी। इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब हमारे वास्ते एक ही रास्ता है कि हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं, या क्या बाबू? या तुम्हारी शादी को मंजूर कर लूं, गांव वालों की बात भी रह जाएगी, दुनिया उंगलियां भी ना उठाएगी। नहीं बाबू, बाबू तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, उस शादी की बात न करो। ये कहने से पहले तुझे डूब मरना चाहिए। मोती, शीला को मैं अपनी बहू मान चुका हूँ, तुझे ये शादी करनी होगी। उस दिल के टुकड़े हो जाएंगे पिताजी। तराना 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 मर चुकी है। तराना सुना तूने मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? मोती मोती ये दो दिनों का पागलपन था, भूल जाए इसे, उसकी याद अपने दिल से निकाल दे मोती। और ये मत भूल के तू कौन है, तेरा फर्ज क्या है। वापस ले ले ये जवानी, वापस ले ले ये जवानी, ओ जवानी देने वाले वापस ले ले ये जवानी। रात न आई प्यार कहानी, रात न आई Thank you.
आंखों में नफरत, जबान पर नफरत, उसे सामने से आता देखकर मुंह फेर कर खड़े हो जाना, मजे में बर्तनों को मेरी बच्ची के साये से बचाना, मेरे और मेरी मासूम बच्ची के साथ तुम लोगों ने कुत्तों के जैसे बर्ताव किए हैं, मगर मेरा ये कहना है कि कुत्ते तुम हो, तुम और तुम हो। ये उसकी खुशनसीबी है कि परदेसी जैसा देवता उसे मिल गया। उनकी मोहब्बत शिव और पार्वती की मोहब्बत है, उनका प्रेम सूरज की किरणों से ज्यादा पवित्र है। बड़ा पवित्र प्रेम, अगर पवित्र न होता तो तराना कब की मेरे हाथों से मर चुकी होती। ये हाथ अगर सच्चाई में उसकी रक्षा कर सकते हैं तो उसे पति देखकर उसका गला भी घूम सकते हैं। तो उसका गला घोड़ दो सूरदास, वो कलंक है, वो बहु बेटियों में रहने के लायक नहीं, उसे इसलिए कि उसने मोहब्बत की है। ये मोहब्बत गांव की हर लड़की को नसीब। मैं दिलो जान से इस मोहब्बत के हक में हूँ। कर लो जो कुछ तुम कर सकते हो, बिगाड़ो जो कुछ तुम बिगाड़ सकते हो। और क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, बिगड़ने के लिए अब रहा ही क्या है। गणेश जी यहाँ आओ बेटा, सच सच कह दो, झिझकने की कोई बात नहीं। अरे गणेश जी क्या कहेगी, चांद पर खाक डाली है किसी ने। बोलो ना चाची, सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें, कहो क्या कहना चाहती हो। मैं दाई हूँ, ये मैं भी जानता हूँ। तराना माँ बनने वाली है। तुम्हें तो सिवाय घोर अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे एक धुंधला सा चिराग जलता दिखाई देता है। अगर मेरी मानो। क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तराना तो अब माँ बनने वाली है ना, अरे ये बदनामी मेरी झोली में डाल दो, मैं अब भी तराना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तराना की शादी अच्छी तरह से होगी, मौत उसके स्वागत के गीत गाए।
जली जो शाखे चमन साथ बागबां भी जला जला के मेरे नशे मन को आसमां भी जला एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है अब तो तुझ बिन जिंदगी भी मुझ पे एक इल्जाम है एक मैं हूँ एक मेरी दिल पे क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे दिल में क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है एक मैं हूँ एक मेरी सुबह मुझ पर हंसो मेरे मुकद्दर पर हंसो सुबह मुझ पर हंसो मेरे मुकद्दर पर हंसो अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है एक मैं हूँ एक मेरी देखो मोती बापू भी मुझे छोड़ के चले गए और मैं अब तक जिंदा हूं आग के शोले भी मुझे न जला सके मोती मेरे अच्छे मोती तुम जहां भी होगे मैं एक बार तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाऊंगी अब तुमसे कभी नहीं बदलने बात लेकिन उसकी याद तुम्हारे दिल से कभी नहीं जाएगी उसकी रूप पागलों की तरह तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहेगी और तुम देख नहीं सकोगे वो तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी और तुम महसूस नहीं कर सकोगे तुम्हारे दुख में उसके हाथ में सहारा देंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा लेकिन तुम उसकी आत्मा को सुख जरूर पहुंचा सकते हो
वो कैसे? जिंदा रहकर तुम डॉक्टर हो मोती, और मौत के मुंह में पड़े हुए हजारों इंसान हैं जो तुम्हारी तवज्जा के मोहताज हैं। तुम उन्हें जिंदगी दे सकते हो, वो मुस्कुराहटें दे सकते हो जो तुमसे छीन ली गई। तुम्हारा घाव हमेशा हरा रहेगा, लेकिन तुम दूसरों के जख्म अच्छे कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों करूं? किसके लिए करूं? किसके लिए करूं? तराना के लिए, उसकी आत्मा के लिए। तराना के लिए, उसकी आत्मा के लिए। लीजिए चाचा जी। आज तो हमारी बेटी दुल्हन सी लग रही। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने सुना है कि आज एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ साथ सिनेमा देखने जा रहे हैं। मोती कैसे मान गया? मुझे क्या मालूम। अभी कितना पागल लड़का है। मैंने तो सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में अब ना उम्मीदी और निराशा के सिवाय और कुछ नहीं, लेकिन आज ऐसा मालूम होता है कि दूर इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमक रही है, और वो किरण तुम हो बेटा। तुम ही मेरे इस अंधेरे को दूर कर सकती हो। तुमने उसे एक नई जिंदगी दी है। तुम ही तराना की याद उसके दिल से भुला सकती हो बेटा। बीते दिनों की याद खुद ही मिट जाती है, उसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब टिकट। ओए क्या बात है मोती? क्या बात? पिक्चर जा रहा हूं। वो तो देख ही रहा हूं, मगर ये दूसरा टिकट किसके लिए? एक लड़की के लिए है। एक लड़की के लिए? हो बहुत हो। किटी, डॉक्टर मोतीलाल की पहली मोहब्बत का नशा आज टूट गया। डॉक्टर मोतीलाल की पहली मोहब्बत का नशा आज टूट गया। डॉक्टर मोतीलाल की पहली मोहब्बत का नशा आज टूट गया।
थक गए हो। हाँ शीला, बहुत थक गया। मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मेरे ये कान फट जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? एक आवाज है जो तुम्हें गूंज रही है, न जाने आज मुझे क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए सो जाओ, ठीक हो जाओगे। हाँ सो ही जाऊं तो अच्छा है। मुझे नींद की एक दो गोलियां ला दो शीला। अच्छा आई।
कितने चैन से सो रहे हैं। इनसे कुछ कहना है क्या? नींद में वो मेरी क्या सुनेंगे। देखो तुम कल इन्हें अस्पताल में मिल लेना, ये वैसे भी किसी को घर पर नहीं देखते। कौन होते हैं ये आपके? कहीं ऐसी बातों का भी जवाब दिया जाता है तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मुझसे भी कभी किसी ने इतनी ही मोहब्बत की थी। मैं भी यही समझती थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? तुम्हें कैसे बताऊं कि कहाँ चला गया? मेरी विपता सुनोगी तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा, तुम्हारी आंखों से खून के आंसू बह निकलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, अपनी आंख में तुम्हें क्यों चलाऊं? तुमने ऐसा क्या दोष किया? तुमने ऐसा क्या दोष किया? ठहरो, तो ना आए। देखो मैं ही आ गई तुम्हारे पास, और तुम भी कैसे हो? तुमने मुझे पूछा तक नहीं। देखो ये लो 10 रुपए। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे। रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। नहीं बछड़े दोगे मुझे? इस बछड़े को लेकर क्या करोगी पगली? इस बेजबान को अपनी विपता सुनाए करोगी? लेकिन इनसे क्या कहूंगी? कहना एक पगली आई थी और उसे ले गई। अच्छा ले जाओ, मगर इसका ख्याल रखना। देखो जब इसे बुलाना हो तो सैया कहकर पुकारना, ये दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाएगा। सैया, सैया, कितना प्यारा नाम है सैया, 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 तराना, तराना। शीला यहाँ कौन आया था? मुझे ऐसे मालूम है जैसे वो यहाँ आई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी शीला। गए हुए लोग इस तरह लौट कर नहीं आते मोती बाप। तो फिर क्यों मैं बार बार नींद से जाग उठता हूँ? क्यों मुझे ऐसा मालूम होता कि वो यहीं आसपास कहीं मुझे खोज रही है? काश वो आ सकती। मेरे बस में होता तो मैं वहां चली जाती और उसे यहाँ भेज देती। तुम चले जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा शीला। मुश्किल तो यही है कि ये भी मुश्किल है और वो भी मुश्किल है। सरकार, बड़े सरकार आपको याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हूँ मुझसे? क्या मालूम, तुम ही मेरे साथ चलो। नहीं तुम जाओ। चलो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं बेटा। अपनी उस पर नसीब शीला की किस्मत को रोता हूं।
मैं जब उसकी तरफ देखता हूँ मोती, तो ऐसा महसूस होता है कि सावन की घटाओं में किसी नाचती हुई मोरनी के पर काट लिए हैं मैंने। पिताजी, मैं शीला के एहसानों का बदला कभी नहीं अदा कर सकता। उसने एक डूबते हुए इंसान को सहारा देकर उसे फिर से एक नई जिंदगी दी है। और तुमने क्या दिया है उसे? कभी उसकी आस बंधा देते हो और कभी खुद ही ठुकरा देते हो। मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया पिताजी। आज सुबह वो तुम्हारे साथ जाने के ख्याल से एक फूल की तरह खिली हुई थी, लेकिन तुमने उसे मसल कर रख दिया। मैं जानता हूं मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आखिर में तुम्हारा बाप, सोचता हूं शायद तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए। खैर जाओ बेटा, जाओ। बहकता हुआ बुढ़ापा दुख देता है सबको। जाओ, वही करो, वहीं जाओ जहां तुम्हें शांति मिले। मेरी कुछ फिक्र मत करो, मैं तो यूं ही अपने दिन काट रहा हूं। जाओ, जाओ, जाओ। आखिर बात क्या हुई थी? वो मुझसे बहुत दुखी हैं शीला। वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि मैं तुमसे ब्याह कर लूं। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकता था उनसे? क्या कह सकता था मैं उनसे? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या कहती? बोलो, बताओ चुप क्यों? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने मरते हुए बाप की एक छोटी सी खुशी के लिए अपनी जान तक दे देती। और अब अगर मैं पूछू कि तुम क्या करने वाले हो तो बताओ, अब तुम क्यों चुप हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ उनसे जाकर कह दो कि मोती अपने आप को उनकी एक हट पर कुर्बान नहीं कर सकता। कह दो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, और यह भी कह दो कि वो यहां से चला जाएगा। वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। जाओ, खड़ी मुंह क्या देख रही है तुम? जाओ यहां से। शीला ठहर जाओ, ठहर जाओ शीला। देखो, मैं तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है शीला। मैं तुमसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता, और यह भी जानता हूं कि मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इन सब बातों के बावजूद मैं तुमसे यह पूछता हूं कि बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? कर लूंगी, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो। हो सकता है शहर जाकर मैं तुझे भूल जाऊं। वहां दिन रात के हंगामे में भला मुझे क्या याद रहेगा कि कहां गया था और कौन मिला था? मुझे तो शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। फिर अगर मैं बगैर तुझे पहचाने आगे बढ़ जाऊं तो मेरी बात का बुरा मत मानना। तू मेरी बात का बुरा मत मानना। तू मेरी बात का बुरा मत मानना तराना। देवी देवताओं के चरण छूने से जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं क्या? दुख दूर हो या ना, लेकिन मन को कुछ शांति जरूर मिल जाती है। हाँ। तो क्या तुम इसी शांति के लिए यहाँ आई हो शीला? अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद लेने आई। नई जिंदगी से क्या मतलब? तुम्हें इतना भी याद नहीं कि आज रात हमारा ब्याह हो रहा है मोती? हाँ, मुझे याद है आज रात हमारा ब्याह हो रहा है। तुम्हें मेरी पत्नी बनके क्या मिल जाएगा शीला? एक देवता मिल जाएगा जिसके कदमों में सर रखकर मैं अपना सारा जीवन बिता दूंगी। जानबूझकर अपने आप को धोखा दोगी?
ये अपनी अपनी लगन है मोती, तुम अपने आप को मेरी नजरों से नहीं देख सकते। ये आंखें जब कभी तुम्हें देखती हैं तो इन्हें एक देवता नजर आता है। काश मेरी नजरों में भी यही गुण होता, ताकि तुम जिस चीज पर नजर डालते तुम्हें तराना ही नजर आती। बोलो सच है ना? हाँ शीला सच है। तुम उसे मुझ में भी देख सकते हो, यही शीला तुम्हारी नजरों में तराना बन सकती है। सुनते हो, यही शीला तुम्हारी नजरों में तराना बन सकती है। ये क्या कह रही हो शीला? मेरी नजरों की गहराइयों में तुम्हें वही आंखें दिखाई देंगी जिन्हें देखने के लिए तुम तरस रहे हो। मेरी तरफ देखते क्यों नहीं मोती? मैं ही तराना हूं। देखो मोती, मैं तुम्हारी तराना हूं। घड़ी का इंतजार कर रही थी। आज मैंने तुम्हें पा लिया है। आज से तुम मेरे हो गए हो। आज से दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। कोई ताकत अलग नहीं कर सकती मोती। मोती, मोती। इसमें दोष किसी का भी नहीं था, ये तो मेरी किस्मत का लिखा था जिसे कभी कोई आज तक नहीं मिटा सका है। हेलो मोती, मोती, ओह, कैसे बेहंगम किस्म के आदमी हो तुम? तुम्हारा कुछ पता ही नहीं बेटा, कितनी देर लगा दी है तुमने। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं अभी आता हूँ। जमुना दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया, आ गया। चलो अपने 100 रुपए खड़े हो गए। चलो आओ आओ आओ। मोती बाबू, जब तक हमें 100 रुपए नहीं दोगे हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। Thank you.
ये झूठा था ईश्वर, तुम मेरे गवाह हो। इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझे धोखा दिया ईश्वर। जिस तरह इसने मेरा चैन छीना है, तुम भी इसका चैन छीन लो ईश्वर, तुम भी इसका चैन छीन लो। तस्वीर के टुकड़े फेंक सकती है, लेकिन उसकी याद को अपने दिल से भुला सकेगी? बोल बोल तराना। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं भुला सकती मोती। मोती मैं तुझे नहीं भुला सकती। पूज्य पिताजी, आपके बीमार दिल को जो सदमा होगा मैं जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप लोग एक उजड़ते हुए चमन में बहार देखना चाहते थे और ये मेरे बस की बात नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें, मुझे खोजने की कोशिश न करें। मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। जरूरत नहीं,
पागल। और मैं समझा था तू मुझे छोड़कर चली गई। अब और ज्यादा झूठ ना बोल मोती, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। छोड़ दो मुझे, हटा लो। तराना मर चुकी, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तू सारी में छोड़ दे, छोड़ दे मोती। बात सुन ले, नहीं तो तेरा गला घोट कर आती हूँ। घोट दो, घोट दो, गला मेरा मार डालो मुझे। सुन, तूने आज तक मुझे घड़ी भर चैन नहीं लेने दिया, और अब ये बहुत हो चुका है समझी। जिंदा है, इधर उधर भटकती फिरती है, और दुनिया भर को ये गुमान दिलाया कि जैसे मर चुकी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा पागलपन मुझे यहाँ ले आया, वरना मैं तो अब तक उस लड़की से शादी भी कर चुका होता। तुमने उस लड़की से शादी नहीं की? नहीं तराना, झूठ बोलते हो। सच कहता हूँ। मेरे पास से छोड़ो, और देख ये तुझे जो गाली गलौज की आदत पड़ गई है ना, ये तुझे छोड़ना पड़ेगी। छोड़ेगी ना? हाँ, छोड़ दो।